हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट के बारे में, वो है मनी प्लांट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मनी प्लांट को कैसे लगाया जाता है, कैसे इसकी केयरिंग की जाती है और ये कितने टाइम में कितना ग्रोथ करता है, वो आपको मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगी और साथ में इसे मिट्टी में भी कैसे लगाते हैं ये भी दिखाऊंगी। दोस्तों, मनी प्लांट को डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे मैंने कांच की बोतल में लगाया है, देख रहे हो आप कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसे मैंने 15 दिन पहले लगाया था और इसकी रूट कैसी है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। और इस कटिंग को लगाए हुए दोस्तों एक मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं और इसकी रूट कैसी आई है ये भी आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने प्लास्टिक के ग्लास में लगाया है और इसे मैंने 24 से 25 दिन पहले लगाया था और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, रूट भी आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। थोड़ी देर बाद इसे निकाल कर देखेंगे, उससे पहले हम कटिंग कर लेते हैं मनी प्लांट की। दोस्तों, मनी प्लांट की बेल को कट करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी बेल का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर वो हेल्दी नहीं होगी तो वो कुछ दिन बाद सड़ने लगेगी या फिर सूखने लगेगी। अब हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने से पहले दोस्तों जो भी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे सीजर या कोई भी चीज़, वो दोस्तों बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। टूल्स को साफ़ करने के लिए आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने तो एलोवेरा का ही इस्तेमाल किया था। अब मैं इसे टिश्यू पेपर से पूंज रही हूँ। दोस्तों, किसी भी प्लांट को कट करने से पहले आप जिस भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना किसी भी प्लांट को कट करने के बाद प्लांट में फंगस लग जाएगा। अब हम कर लेते हैं कटिंग। कटिंग दोस्तों हमें बिल्कुल सीधी नहीं करनी है, हल्की सी तिरछी करनी है, मतलब 45 डिग्री में कट करना है। और एक बात को और जरूर ध्यान दीजिएगा, कटिंग हमें दो जॉइंट के बीच में करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। इस तरह से कट कर लेंगे हम। सभी लीव्स का हमें 45 डिग्री में ही कट कर लेना है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि मनी प्लांट का पौधा घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, पर वास्तु शास्त्रों के अनुसार दोस्तों मनी प्लांट का पौधा घर में सुख समृद्धि और घर की वृद्धि के लिए लगाया जाता है। और दोस्तों, आपको पता है मनी प्लांट के पौधे को कभी ख़रीदा नहीं जाता, कभी इसे खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। आप इस पौधे को अपने पड़ोसी से ले सकते हो या फिर अपने दोस्तों से मांग सकते हो, पर कभी ख़रीद कर मत लगाना। और दोस्तों, एक बात और कही जाती है, अगर मनी प्लांट को आप बुधवार के दिन लगाते हो तो माता लक्ष्मी जी का वास रहता है घर में। और एक बात का और जोर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे तुलसी माता में रविवार को पानी नहीं दिया जाता, वैसे ही मनी प्लांट में भी रविवार को पानी नहीं देना चाहिए। और जब भी आप इसमें पानी दे रहे हो तो हल्का सा इसमें दूध मिलाकर पानी दीजिएगा, इससे हमेशा घर में सुख समृद्धि रहेगी। इस तरह से हम सभी को तिरछी कटिंग कर लेंगे। अब ये दोस्तों जो बची हुई बेल है इसे मैं कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है मनी प्लांट की। आप इसे कटिंग करने के अलावा भी यूज कर सकते हो, आप इसे एज इट इज इसी तरह से लगा लीजिए। आगे के दो तीन पत्ते कट करके इसे अच्छी तरह से पानी में डिप कर लीजिए, इससे बहुत अच्छा लुक आता है। अब जो हमने कटिंग करी थी उसे हम पानी में लगा लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, जो ये हमारी कटिंग है वो काफ़ी छोटी है, तो इसे हम बड़े पॉट में नहीं लगा सकते, वरना ये पानी में ही डीप हो जाएगी। तो हम इसे लगाते हैं दूसरी तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे और लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जो ये मनी प्लांट की कटिंग है वो जल्दी ग्रो करे, उसकी रूट जल्दी आए और जो ये लीव्स है वो बड़े हो जाए और बिल्कुल हरे रहे, तो आपको मैं ये फॉर्मूला बताती हूँ। ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा। लेनी है एक पानी की बोतल, उसमें डालना है एनपीके फर्टिलाइज़र। बिल्कुल छोटी सी चम्मच का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बड़ी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, वरना वो प्लांट को ख़राब कर देगा। बिल्कुल छोटी से छोटी चम्मच का इस्तेमाल करिएगा। उसे रखने के बाद एक या दो घंटे मिलाकर और उसे डाल लीजिए पॉट में जिसमें आपने कटिंग लगाई हुई है। बिल्कुल छोटी से छोटी चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों, इस तरह से आप सभी कटिंग को इकट्ठा करके इसमें लगा लेंगे रबड़, ताकि ये बिखरे ना। रबड़ को थोड़ा लूज रखना है, टाइट नहीं बांधना। अब हम ले लेते हैं एक छोटा सा बाउल और इसमें डाल लेते हैं स्टोन। मैं इसमें कलरफुल स्टोन डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टोन डाल लीजिए। और इसमें हम लगा लेंगे कटिंग। थोड़े से और स्टोन डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी।
दोस्तों हमारे ये छुटकू सा बिल्कुल छोटा सा हमारा मनी प्लांट कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं आपको इसको डेकोरेट करके भी दिखाती हूँ। मैंने इसे टेबल के ऊपर लगाया है, बाकी आप इसी तरह से बनाकर शोकेस में लगा सकते हो, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ छोटे छोटे मनी प्लांट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ये 15 दिन पहले कटिंग लगाई थी इसकी रूट कैसी आई है। ये देख रहे हो दोस्तों, इसमें रूट तो ज़्यादा नहीं आई पर छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लीव्स आने लग रही है। और इसमें भी देख रहे हो दोस्तों, छोटी सी लीव्स आई है इसमें भी और हल्की सी इसमें रूट आई है। सभी में इसी तरह से हल्की हल्की रूट और हल्की हल्की लीव्स आई है। और इस वाले को लगाए हुए 24 से 25 दिन हो चुके हैं और देख रहे हो दोस्तों कितनी अच्छी रूट आई है इसमें। देख रहे हो दोस्तों इसमें कितनी ज़्यादा रूट आई हुई है और लीव्स भी हल्की सी बड़ी भी हो चुकी है। देख रहे हो इसकी भी लीव्स कितनी बड़ी हो चुकी है और साथ में रूट भी कितनी अच्छी आई है। अब हम चेक कर लेते हैं ये वाला, ये प्लास्टिक के गिलास में लगाया है। दोस्तों प्लास्टिक और कांच के किसी भी गिलास में लगा लीजिए, मनी प्लांट एक जैसा ही ग्रो करेगा। एक मंथ में ही काफ़ी अच्छी रूट आ चुकी है और साथ में लीव्स भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब हम इसे लगा लेते हैं मिट्टी में। दोस्तों जो ये गमला है इसमें मैंने कटिंग एक मंथ पहले लगाई थी और आप देख रहे हो इसमें न्यू लीव्स आनी स्टार्ट हो चुकी है। ये छोटा सा जो बेबी प्लांट दिख रहा है दोस्तों, ये अपने आप ग्रो हुआ है इसमें। अब हम ले लेते कोई भी टूल्स और इससे मिट्टी में थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे कटिंग को लगाने के लिए। कटिंग को हमें इस तरह से लगाना है कि अगर हम पानी दे रहे हैं तो ये बाहर ना आए। दोस्तों मैं ये नाइफ इसी काम में इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए ज़्यादा शार्प नहीं है, इसे हाथ में नहीं लगेगा। पर आप कोई भी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो देख कर करिएगा, कभी हाथ में ना लग जाए। दोस्तों जो कटिंग की रूट है वो मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी कटिंग भी लगा लेते हैं। मैंने सारी ही कटिंग को एक ही गमले में लगाया है क्योंकि बूसी प्लांट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मनी प्लांट को कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। इसे मैंने बेड के साइड में लगाया है और साथ में मैंने स्नैक प्लांट लगाया हुआ है जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। इसे आप किचन में भी लगा सकते हो, किचन में लगाना इसे काफ़ी शुभ माना जाता है।
बैल्कनी में इस तरह से हैंग करके लगा सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना दोस्तों, और मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल का ज़रूर हिस्सा बनना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।